नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा दक्षिण दिल्ली लोकसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के छत्रपाल सिंह जी हैं, जो कि मेहरौली जिला के पूर्व के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रभारी भी और उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्रपाल जी। आपका भी स्वागत, आप यहाँ आए आपका स्वागत है बहुत जी। छत्रपाल जी, आपसे सवाल कर लेते हैं। अब विधानसभा चुनाव आ रहे 2025 के, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव, और दूसरी बात अंबेडकर नगर विधानसभा को लेकर भी आप लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं बन पाए सर, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं छत्रपाल जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ना ही प्रारंभ किया 1991 के आसपास से। लोकसभा का पहला जो चुनाव था, डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा यहाँ से सबसे पहले चुनाव लड़े थे। उससे पूर्व जितने भी चुनाव होते थे उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ पर अलायंस में चला जाता था। तो भारतीय किसान मजदूर पार्टी करके जो अपना चौधरी चरण सिंह जी वाला था, तो उसमें लड़े, जनता दल लड़ा उस समय लोकसभा का चुनाव, तो चौधरी तारीफ सिंह यहाँ लड़े पहले वो उस समय, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोगी के भूमिका में थी। और बाकी उसके बाद 91 से हमने यहाँ चुनाव लड़ना प्रारंभ किया, और जब से हमने चुनाव लड़ना प्रारंभ किया तो उसके बाद से स्पष्ट रूप से दिखता है कि हमारी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। ये भी सर ऐतिहासिक देखा जा रहा है, मतलब अंबेडकर नगर से विधायक नहीं बन पाया, अब लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं कि चुनाव आते हैं तो हमारा विधायक इस बार बन जाएगा हर बार की तरह, मगर बन नहीं पाता सर। इस बार चुनाव में क्या लगता है, 25 के चुनाव आ रहे विधानसभा, 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर नगर विधानसभा को जीतेगी, यह निश्चित है। देखिए, पार्टी में सब लोग काम करते हैं, तो सब लोगों को टिकट भी मांगने का अधिकार है, तो इसलिए दावेदार होना ये कोई बुराई नहीं है। तो क्या लगता है इस बार, जैसे अभी चुनाव आ रहे, तो इसमें कहीं ना कहीं इस बार नए चेहरे के रूप में भी कई लोग आ रहे हैं सर, तो इससे क्या लगता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, जो सब कार्यकर्ता पार्टी में काम कर रहे होते हैं सबका अधिकार है, पार्टी में टिकट मांगेंगे वो। आज की बेसिक क्या क्या समस्या है अंबेडकर नगर की बात करें? देखिए, अंबेडकर नगर की समस्याओं की अगर बात करें तो यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर सीवर ब्लॉकेज की बहुत बड़ी समस्या है। पानी यहाँ आज 10 वर्ष हो गए हैं, दिल्ली जल बोर्ड, पहले तो ये कहते थे कि भाई निगम हमारे पास नहीं है, जल बोर्ड भी इनके पास है, निगम भी इनके पास है, तो और जो यहाँ का विधायक है ये उस जल बोर्ड का सदस्य भी रहा है, और लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि यहाँ मतलब सीवर का मिला हुआ पानी आता है यहाँ, और इतना बुरा हाल है कि पूछिए नहीं। और इन दिनों तो बहुत भयंकर हाल है, आप अभी आ रहे होंगे तो अभी जिस तक मुझे नहीं लगता आप अगर उस तरफ से आए हैं विराट वाली तरफ से, तो वहाँ एक सीवर होल था और उसमें उसका सीवर का ब्लॉकेज ओवरफ्लो था, और वो ऐसा गड्ढा बना है, 3 महीने हो गए हैं आज, और वो गड्ढा ना अभी वैसे ही रोड उन्होंने करा है हुआ ऐसे ही, उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं तीन महीने। सब क्या कर रहे हैं, मतलब कोई हादसे का इंतजार कर रहे हैं? अब लगता तो ऐसा ही है, जैसा पटेल नगर में हादसा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है, इलेक्ट्रिक शॉक लगाया है वहाँ एक लड़के को जो IAS की तैयारी कर रहा था संभवतः, तो इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो इस समय तो कई मुद्दे मिल रहे हैं इस बार सर बीजेपी के पास, तो क्या लगते हैं? रूप से है, देखिए ये सरकार आखंड जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री जेल में है, अभी जो एक के साथ एक शराब फ्री दे रहे थे दिल्ली के अंदर, जो बेसिकली शिक्षा मंत्री भी थे मनीष सिसोदिया, शिक्षा मंत्री का काम होता है प्रमोट करना, स्कूल्स बनवाना, स्कूल्स बने नहीं हैं, एजुकेशन की प्रमोशन छोड़ करके वो शराब की बोतलों की प्रमोशन में लग गए, क्योंकि नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा है, ये तो न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका देखती है तो जमानत मिली है वो अपनी जगह है, लेकिन इससे ये तो स्पष्ट है ना कि वो अपराधी हैं, मुकदमा तो समाप्त नहीं हुआ ना, और केवल उसी उसमें कितनी बड़ी जालसाजी है कि मुख्यमंत्री तक का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, संजय सिंह उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, सब सामने, मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं, तो सिसोदिया को जमानत मिली, मुख्यमंत्री जेल में है, मामला शराब के घोटाले का ही है और कोई मामला नहीं है। आप शराब एक के साथ एक फ्री देने चले गए, आपने कमीशन बढ़ा दिया 1-2% से 12% पर पहुंच गए, ऐसी क्या उपलब्धि थी,
किस कारण से, और दिल्ली सरकार के राजस्व को, दिल्ली को राजस्व का नुकसान हुआ कि 10 साल रमेश बिदूड़ी जी, उनके काम बता दीजिए आप। देखिए, रमेश बिदूड़ी जी ने बहुत काम किए हैं। आप अगर उधर चले जाइए अंबेडकर नगर का विराट सिनेमा के पीछे वाला, वो डीडीए का था, जो डीडीए का उन्होंने बनवाया हुआ है, तो वो करवाया। जो काम दिल्ली सरकार के थे वो तो दिल्ली सरकार को कराने थे। मगर तो इतनी बड़ी आबादी में सर कोई हॉस्पिटल आप दिखा दीजिए, कोई नया कोई हॉस्पिटल, कोई कॉलेज बनाओ। ये तो इनसे पूछना चाहिए, ये कहकर के नहीं, ये काम सांसद के नहीं थे। कॉलेज देखिए, दिल्ली में कॉलेज बनवाने का काम दिल्ली सरकार ने वायदे किए थे, हम इतने कॉलेज बनवाएंगे, हम इतने स्कूल बनवाएंगे, तो ये काम उनका था, उन्होंने क्या किया, ये तो उनसे प्रश्न करना चाहिए। आप मुझे लगता है मेरे से गलत प्रश्न कर रहे हैं। इससे लग रहा है इससे जनता सफर कर रही है, मतलब राजनेताओं के बीच में उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। इसमें बेसिकली ये कोई भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का विषय नहीं है। ये सही अर्थों में जो दिल्ली सरकार के काम थे वो तो दिल्ली सरकार को करने थे, तो वो दिल्ली सरकार ने नहीं किए, तो ये कोई बीजेपी और आपका संघर्ष वाला विषय नहीं है। दिल्ली सरकार ने आम लोगों के साथ अन्याय किया है, दिल्ली सरकार ने लोगों की पेंशन लोगों को नहीं दी है, दिल्ली सरकार ने लोगों को आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड जो पूरे देश में लागू हैं, दिल्ली में लागू, और देखिए और ऐसे भी लोग हैं जहां सरकार कांग्रेस की थी, उन लोगों ने भी आयुष्मान कार्ड अपने यहां पर उसको लागू किया। और आप देखिए 5 लाख के जो एक बीमार जो जिसकी जिसको बड़ी गंभीर बीमारी है उसके लिए उसको ट्रीटमेंट मिल सकता था, आराम से इन्होंने उसको वंचित कर दिया है, एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को वंचित कर दिया है। तो ये ऐसी सरकार है, किस तरह से ये आम आदमी की सरकार है। आयुष्मान भारत का पैसा केंद्र सरकार को देना था, लेकिन उन्होंने उसको लागू भी नहीं किया। क्यों नहीं लागू किया कि कहीं इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ना मिल जाए। जब सही अर्थों में तो ये तो प्रश्न इनसे पूछना चाहिए कि आप मतलब राजनीति में इतने नीचे गिर सकते हैं कि जिन लोगों के कारण आपने सरकार बनाई, जिन लोगों ने आपको मत दिया, आम आदमी का हवाला देकर के आपने ये बात कही, बड़ी बड़े ख्वाब दिखाए लोगों को, उसके बाद भी आपने उनको वो चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई, और जो आपको नहीं देना था। आम आदमी पार्टी को हम मानते थे जिम्मेदार, जो आपने बातें रखी, मगर महंगाई पर आप क्यों नहीं बात कर रहे सर? आप महंगाई लगातार बढ़ रही है, सब्जियों के दाम आप लगातार देख लीजिए। देखिए, एक तो ये जो स्थिति जो मौसम पीछे पर, अभी आज के हालत में आप देखेंगे सबसे कम महंगाई की दर है 2 पॉइंट समथिंग है, तो अब इस पूरे पिछले 2 साल के अंदर सबसे कम महंगाई की दर है इस समय, तो महंगाई की दर तो आज नियंत्रण में है। महंगाई सुनने में आ रहा था आप इस बार चुनाव में आपकी विषय कहने की तैयारी चल रही है इस बार चुनाव में विधानसभा। देखिए, ऐसा है, कार्यकर्ता सब काम करते, मैं भी काम कर रहा हूँ। संगठन को निश्चय करना है कि चुनाव किसको लड़ना है। निश्चित रूप से जो लोग राजनीति में काम करते हैं मन में तो सबके रहता ही है। मगर निगम चुनाव आप लड़े थे सर, कौन से सन में लड़े थे आप चुनाव? देखिए, वो तो 1997 और 2002 में बड़ा लंबा समय हो गया, तब भारतीय जनता पार्टी की अपने क्षेत्र में स्थिति भी कोई, हम सब लोग संघर्ष कर रहे थे, हम लोग यहाँ पार्टी को खड़ा करने में लगे थे, तो वो दौर था एक। आपका दौर कैसा लग रहा है आपको सर? अभी बिल्कुल ठीक है, हम सब लोग निश्चित रूप से इस सीट को जीतेंगे। क्या लगता है आप इस सफर को आप पूरा कर पाएंगे सर, चुनाव जीत पाएंगे आप? देखिए, संगठन तय करेगा निश्चित रूप से, और हम उसको लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। साथ है आपके पूरा? संगठन पूरी तरह से साथ है, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक एक है। मगर आपसे मतभेद जो देखा जा रहा था अम्बेडकर नगर विधानसभा में सर, इसकी वजह क्या है? देखिए, मनुष्य का स्वभाव है, और परिवार में आप देखिए, परिवार में मतभेद रहते हैं तो मतभेद तो हो सकते हैं, लेकिन पार्टी को लेकर के सब कार्यकर्ता सब लोग एक साथ खड़े हैं। हमने लोकसभा चुनाव, इस बात का प्रमाण है कि हमने लोकसभा चुनाव जीता है। सर, आपकी अपनी क्या सेवा चल रही है जैसे क्षेत्र के बीच? देखिए, मैं यहाँ पर लगातार लोगों के साथ लगा रहता हूँ, जब भी लोगों को मेरी आवश्यकता होती है किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की हॉस्पिटल्स का विषय हो, कहीं आने जाने का विषय हो, कोई जन कल्याणकारी काम हो, उन सारे कामों में हम लगे रहते हैं। भोजन वितरण का पीछे जब अपना कोरोना कालखंड था, कोरोना कालखंड में हम सब लोगों ने वो सारे काम किए, वैक्सीन को लेकर के वैक्सीन का हुआ, और इधर जो अपन यहाँ सारे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आते थे उनकी सेवा का काम हम सब लोगों ने किया, कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। सर, मगर इस बार जैसे चुनाव में कई नए चेहरे के तौर पर आ रहे हैं, जैसे नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है, वो सब लोग काम करते हैं, काम करना चाहिए, और अच्छी बात है काम कर रहे हैं लोग, तो काम कर रहे हैं तो सबके मन में एक अभिलाषा होती है, तो ठीक है वो अपना काम करें, और ये तो संगठन को निश्चित करना है कि संगठन की अपेक्षाओं को
कौन कार्यकर्ता पूरा करेगा। लगातार जो आप देख रहे हैं पूरे देश में जो हालात बने हुए हैं, चाहे आप बांग्लादेश का मामला या कोलकाता का मामला, एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ इतना बुरा, इस पर क्या कहना चाहते हैं इससे, जो आज के हालात जो देश के जो बन रहे हैं? जो कलकत्ता में हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है, जिसकी घोर निंदा की जाए उतना कम है, लेकिन उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि वहाँ की सरकार पूरी निकम्मी नकारा और अकर्मण्य सरकार है। इस सरकार जो काम सरकार को करना चाहिए वो केंद्र की ओर मुताक रही है, जो काम उनको उस दिन करना चाहिए वो सरकार ने पूरा समय दिया लोगों को कि वो सबूत नष्ट कर पाएं। सरकार पहले उसको हत्या का मामला बता रही थी, तो इस तरह से उन्होंने चीज़ों को घुमाया। एक निर्मम हत्या निर्भया के बाद, निर्भया टू हुआ है ये, और जिस निर्भया के कारण पूरे देश के अंदर एक आंदोलन खड़ा हो गया था, इस बार भी इस विषय को लेकर के पूरा देश आंदोलित है और सब लोग दुखी हैं इस बात से। ये बहुत जघन्य अपराध हुआ है, इसकी जितनी घोर निंदा की जाए उतना कम है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो पीछे चुनाव सुधार अपना कानून में सुधार की बात हुई है, फांसी के दंड का प्रावधान है, फांसी के दंड का प्रावधान किया हुआ है। और आप देखिए, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसी कारण से, क्योंकि वहाँ कलकत्ता की पुलिस किसके अंडर थी? राज्य सरकार के। राज्य सरकार मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक महिला की संवेदनहीनता इसमें दिखती है। और दुखदाई बात यह है कि वो स्वयं सड़क पर आती है, तो ये मतलब जो काम उनको करना चाहिए, अरे भाई आपकी सरकार है, आप वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, ये काम आपका था, आपको करना था, लेकिन आप सड़क पर आ गए। और मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस बात की निंदा की, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये मामला सीबीआई को दिया, सीबीआई को देते ही सीबीआई को जैसे ही दिया, सीबीआई लगभग विद इन 4 or 5 hours चार पाँच घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गई उस स्थान पर जहाँ ये सारा घटनाचक्र हुआ है। और आप देखिए, उसी दिन जिस दिन ये सारा हुआ, सीबीआई को ये मामला पहुँचा, आप 14 तारीख संभवतः, शायद मैं जहाँ तक एग्जैक्ट हूँ, 14 तारीख को एक पूरा मॉब वो योजनाबद्ध तरीके से उस हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर देता है, डॉक्टर्स को भयभीत करता है, डॉक्टर्स पर हमला कर देता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन जो है वो इस पर खामोश है। मतलब राहुल गांधी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं उनको 3 दिन लग जाते हैं कलकत्ता में उस निर्मम हत्याकांड को लेकर के, उन महिला डॉक्टर के ऊपर जो ये अपराध हुआ उसको लेकर के बयान देने में, और बयान देते हुए भी वो वहाँ की सरकार से कोई प्रश्न नहीं करते, उस सरकार से कुछ नहीं पूछते। और उद्धव ठाकरे हों या शरद पवार हों या अखिलेश यादव हों या अपना तेजस्वी यादव हों, जो मतलब राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई हाथरस के मामले को लेकर के जिन्होंने कहा था ठीक है साहब मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो कलकत्ता जाने से उनको किसने रोका हुआ है? वो कलकत्ता क्यों नहीं जा रहे? तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो इस घटना चक्र को भी, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर भी, जिसमें एक महिला डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, उसका बलात्कार हुआ और उसके पश्चात उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, उसमें भी वो दलगत राजनीति कर रहे हैं, उसमें भी वो गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरकार ऐसी स्थिति में सबको उस निर्भया टू ट्रेनी डॉक्टर के जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया, जो दौरा उनको कलकत्ता का करना चाहिए था, वहाँ जाना चाहिए था, उस परिवार से मिलना चाहिए था, वो वहाँ नहीं गए। तो वो पिक एंड चूज़, सुविधा अनुसार जो चीज़ उनको ठीक लगती है, जहाँ पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी हो। अब देखिए, इस तरह की घटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अपराधी कहीं भी हो सकता है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप इसका विरोध क्या सरकार मतलब दलगत राजनीति के हिसाब से करेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और कुछ तो नहीं अपील देना चाहता हूँ जनता? मैं केवल अम्बेडकर नगर के लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, एक ही अपील करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके और अपने क्षेत्र के विकास को देख करके और अपने आगे आने वाले समय में जो 2025 का चुनाव है उसमें आप अपना विधायक बनाएं, यही मैं अंबेडकर नगर के लोगों से अपील करता हूं। क्योंकि हम सब लोग, विकास तभी हो पाएगा जब व्यक्ति जो है वो अपने व्यक्तिगत भावनाओं से, व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर काम करेगा। यही केवल अंबेडकर नगर के लोगों से मेरी अपेक्षा और एक निवेदन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये हमारी सीधी बात छत्रपाल सिंह जी से स्टार सिटी के साथ, मैं जितेंद्र गुप्ता।